तो देख लेते हैं हम बस आ, अभी हम सिलेबस का बस ओवरव्यू लेंगे और जो प्रॉपर लेक्चर्स फिर आएंगे हम एक एक टॉपिक को इलाबोरेट करके उसके साथ में प्रैक्टिस भी कराएंगे सो स्टे स्टेट हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो आप लोग छोटे बच्चे हो बेसिक चीजें आनी है, बस ये कि आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी अच्छी रखनी रखनी है है और स्पीड क्योंकि कंपटीशन में यही दोनों चीजें मैटर करेंगी या तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी साथ साथ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए नहीं तो पता चला आधा पेपर छोड़ के गए और आधा पूरा सही करके आए तो ऐसा नहीं है मेनटेन करना है बैलेंस पार्टस ऑफ स्पीच में हमारा क्या क्या है नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव वर्बर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन बेसिक जितने भी थे आपके एट पार्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच वो आपके इंक्लूड होंगे अब फिलअप के फॉर्म में आ सकते हैं आपके ये मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी आ जाता है या फिर कभी ऐसा पॉसिबल है कि लाइक like, आपको सेंटेंसेज वहाँ पे uh, दे दिए हों इनकम्प्लीट और आपको वहाँ पे कंजंक्शन वगैरह जैसे आपको भरना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन हम यूज करेंगे तो वैसी चीजें आ सकती हैं आपकी ठीक है इसको और इलाबोरेट और करके हम समझेंगे क्लास में ठीक नेक्स्ट है एनिमल एंड एनिमल्स एंड बेबीज ठीक है ये वाला टॉपिक मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके फिफ्थ या फोर्थ के सिलेबस में होता है जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसमें होता है लेकिन जो कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये तो बच्चा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना बहुत भारी संख्या में लोग इसे दे रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितना आप सटीक जैसे बोलते हैं जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी Uh, जितना सटीक आप वहाँ पे क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं उसका सिलेक्शन होगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर बनेगा ठीक है जो कॉमन कॉमन होंगे वो मैं क्लास में बता रही हूँ uh, एक प्रॉपर सीरीज के फॉर्म में या एक डेडिकेटेड uh, लेक्चर के फॉर्म में करा देंगे जैसे वही काउ काफ, गोड किट डॉग पपी कैट किटन तो वही वाला सीन है पूरा सिंपल सिंपल सा बस सिंगुलर एंड प्लूरल भी आएगा सिंगुलर दैट इज ओनली वन प्लूरल मतलब बहुत सारे ठीक ये भी आपने पढ़ाई होगा जैसे फ्लावर्स फ्लावर्स ग्लास ग्लासेस अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं एक अगर सिंगुलर uh, फॉर्म है तो उसके प्लूरल फॉर्म में ओनली एस आता है ठीक only s आप ऐड करोगे और एक प्लूरल फॉर्म होता है जिसमें आपको ES भी ऐड करना होता है एक s होता है और दूसरा वाला es होता है तो ये भी हम इलैबोरेट करके देखेंगे अभी बस हम सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं ठीक नेक्स्ट वी हैव गॉट इस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर ये भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा और टेक्स्ट बुक में सब होता है बस ये है जो एग्जाम्पल्स है ना जो प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आ सकते हैं पी वाई क्यूज में उनको अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे आराम से निकलेगा ठीक आ, जैसे गर्ल का हो गया बॉय मैस्कुलिन फेमनाइन Girl, पे boy, masculine है, है, ठीक का हो गया, woman, Next topic है हमारा articles A and the, इसमें बेसिकली आपको फिलअप देखने को ही मिलेगा फिल इन ब्लैंक्स कि किसी भी सेंटेंस के आगे आपको एक ब्लैंक uh, या डैश दे दिया जाएगा और उसमें आपको करेक्ट आर्टिकल फिलअप करना है नेक्स्ट वी फॉर्म वर्ब फॉर्म भी आपको कुछ इसी टाइप का देखने को मिलेगा मे बी ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है माइड भी चांसेस या फिलअप के भी फॉर्म में इसको दिया जाता है जैसे ग्रो ग्रू ग्रोन हो गया तो ऐसे इन जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आपको दिया जा सकता है नेक्स्ट वी हैव गॉट इज स्पेलिंग करेक्शन कोई जैसे मान लो ऐसा भी होता है कि आपको ऑड वन आउट सर्कल करना होता है ठीक है या फिर आपको करेक्ट स्पेलिंग उसमें जैसे तीन स्पेलिंग्स दी हैं लेट अस सपोज हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं लॉन uh, लाइन ले लेते हैं ठीक uh, ये हमने ले ली लाइन की तीन स्पेलिंग्स अब आपको इसमें से फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है uh, यहाँ पे दो ऑब्वियस सी बात है दो इन करेक्ट होंगे एक करेक्ट होगा तो यही हमारा स्पेलिंग करेक्शन तो स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है वो कैप पोर्शन पे भी ध्यान देना है थोड़ा बहुत हम्म आप लोग तो छोटे बच्चे हो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा सेंटेंस करेक्शन हमारा जहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर्स देखने को मिलेंगी वहाँ पे आपको एरर्स को या तो फाइंड आउट करना है या आपको वहाँ पे आ, क्या बोलते हैं उसको ब्रैकेट्स छोटे छोटे आपके पास पहले ब्लैंक स्पेस होगा जो बोलते हैं और उसके पास

उसका रेफरेंस भी हम लेंगे या जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम देखते चलेंगे एंटोनिम्स बच्चा पार्टी एंटोनिम्स क्या होता है ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स एंटोनिम्स इसको मैं याद कर लो आप लोग एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग साइनोनिम्स सेम मीनिंग ठीक है ये वाली चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नहीं तो पता चला आप सीधा एग्जामिनेशन में गए आप वहां पे बैठे हो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हो पता चला कि मैम हम तो ऑपोजिट वर्ड सेम मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग सेम मीनिंग पढ़ते आ रहे थे क्वेश्चन पेपर में हमें एंटोनिम सिनोनिम दिख गया हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग सिनोनिम सेम मीनिंग ठीक है याद कर लेना इसको ट्रिक मैंने दे दी है ऑलरेडी नेक्स्ट वी हैव गॉट इज वन वर्ड फॉर मैनी जिसको बोलते हैं ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि ये चीज मैंने इलाबोरेट की अ पर्सन हो फैंसीज़ फूड जिसको खाना खाना आ, बहुत अच्छा लगता है उसको एक्सप्लोर करना अगर आ, हम देख लें फूड एज अश हर किसी को अच्छा लगता है कि भाई हम चटर पटर कुछ खाएं या बहुत लोगों को मीठा पसंद होता है तो उस चीज़ में वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन दैट बहुत इंटरेस्टेड है वो लोग उस चीज में ठीक तो जो लोग लाइक फूड को फैंसी करते हैं उसमें हम फूडी बोल देते हैं इतना बड़ा डेफिनेशन या इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा है कि हम छोटा सा ये बस एक वर्ड लिख दें फूडी दैट्स इट तो इसीलिए वन वन वर्ड फॉर मैनी इसकी फिर प्रैक्टिस मैं करा दूंगी Uh, जो प्रॉपर क्लास होगी अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हम जैसा कि मैंने बताया ग्रुप्स ग्रुप्स में क्या ग्रुप्स क्या बोलना चाहते हो जैसे कि आपको गिवन होगा एक एज एन एग्जाम्पल कि ग्रुप ऑफ फिशेस ग्रुप ऑफ काउस ग्रुप ऑफ गोट्स तो उसका एक प्रॉपर नेम होता है ठीक है आपने ये मेरे ख़्याल से फोर्थ या फिफ्थ क्लास में ही ये वाली चीज़ भी आती है सारी टेक्स्ट बुक्स में चाहे आप एन फॉलो करो या आप दूसरी टेक्स्ट बुक फॉलो करो सभी में होती है तो जैसे एज एन एग्जाम्पल ए ग्रुप ऑफ फिश कॉल स्कूल और शोल तो वो वाली चीज़ भी हम डील करेंगे इसके साथ लास्ट हमारा एक टॉपिक एक आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चा पार्टी चिंता मत करो आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा बेसिक बेसिक से आएंगे बस वही है दस पंद्रह होंगे आप उसको याद करके चले जाओगे बस आपका काम सॉर्टेड है एक एग्जांपल भी ले लिया मैम ने यहाँ पे बीट अराउंड द बश दैट इज टू अवॉइड समथिंग हम लोग बोलते हैं ही और शी इज बीटिंग अराउंड द बश लाइक वो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस वो उस चीज़ से कटने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट्स द थिंग मेरे ख्याल से यहाँ तक का था बच्चा पार्टी आपका सिलेबस आप वो अभी प्राइमरी सेक्शन के बच्चे आपको लेना है सी में एडमिशन तो थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे मैम के साथ रेगुलर सेशंस जब होंगे तो आई एम और नाम श्योर कि आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएगा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आप लोग एकदम छक्का चौका मार के आने वाले हो ठीक अब क्या करना है आपको सबसे पहले तो लाइक कर देना है वीडियो को अगर आपका कोई और फ्रेंड है प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जिसको सी एच एस की प्रिपरेशन करनी है तो उसको ये वीडियो शेयर करनी है कि जल्दी आओ हमारी मैम एक इंग्लिश की है वो पढ़ा रही है इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो आ जाओ जल्दी और आपको कमेंट करना है कमेंट इन द सेंस मैम को पता चलना चाहिए कि आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो जो मैम क्लास में पढ़ाती हैं वो आप घर जाके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो वो सारी चीजें भी देखनी है ठीक है और सबसे मेन बात आप अगर सब्सक्राइब करना जानते हो ठीक है एक वहां पे रेड वाला आइकन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब अगर वो आपने प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन भी आराम से ऑन कर देना और दैट इज इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे